ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे बड़े शत्रु वो होते हैं जो हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाए, और हमारी सबसे बड़ी हानि होती है समय की हानि। सबके पास जीवित रहने का एक सीमित समय होता है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जलन और द्वेष के कारण हम जो समय अपने विकास और प्रगति में लगा सकते थे, वो समय हम उसके विषय में सोचने में लगा देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि शत्रु से अधिक स्वयं को जलाती है, तो अपने जीवन को धुआं बना देना क्या उचित है? किसी की प्रगति को देखकर अपने मन में ईर्ष्या और जलन लाने से उचित क्या ये नहीं होगा कि हमारे कारण किसी के होठों पर मुस्कुराहट आए? एक बार अपने मन से जलन को निकाल के तो देखिए, अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे और समझ में आएगा कि इस ईर्ष्या के कारण हमने क्या क्या खो दिया है। विश्वास ये केवल शब्द नहीं, ये वो नींव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। किंतु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास, दोनों ही परिस्थितियां घातक होती हैं। क्योंकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है, वहीं अंधविश्वास आक्रोश को। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्वास की परिभाषा क्या है? विश्वास की परिभाषा जाननी है तो अपने मन से पूछिए, पहले स्वयं पर विश्वास कीजिए कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और ये विश्वास आपको अपनी शक्ति का ज्ञान करवाएगा, और शक्ति अपने उत्तरदायित्व का, और फिर अपने आप लक्ष्य मिल जाएगा, मार्ग मिल जाएगा। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है, और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक है। परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है।
जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को देखो, माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जाना, वन में मत खेलना, तो अवश्य वो वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रोमांच है वो मनुष्य के मन को सदा ललचाता है, परंतु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम की हो, शत्रुता की हो, या फिर अतिथि की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि मर्यादा है क्या, हमें कैसे भान हो कि किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए। जैसा व्यवहार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना ही कोई अपराध होगा। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंत्रण में हो तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी वास करता है। जिससे आप अपनी मर्यादा का प्रश्न पूछोगे तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है, क्यों? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है, और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान, जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों प्रयास और परिश्रम करता है, और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भंग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, परंतु वो शत्रु अपने जीवन के शेष हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहे, किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं? इस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, परंतु एक अग्नि दूसरी अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकती, वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि का प्रतिकार प्रतिशोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि अपमान की अग्नि से अधिक प्रचंड होती है, तो उसका त्राण क्या है? उत्तर चाहिए, मैं दिखाता हूं। ये लकड़ी है शांति की, ठंडी, गीली, अपमान की अग्नि से त्राण पाने का मार्ग प्रतिशोध नहीं, शांति है, स्वयं का विकास। अपने आप को इतना बड़ा बना लो
कि आपका शत्रु आपका अपमान करने का प्रयास ही ना कर पाए, अन्यथा यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शत्रु भस्म चाहते हैं, तो स्वयं को भी जलना होगा। क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को भी जलाती है और ऐसा आप कदापि नहीं चाहेंगे, है ना? मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या ग्रह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। कभी किसी के यहां अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य। कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है या उसके मन में कोई खोट है, कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए। क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम् धूर्तस्य लक्षणम्। जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं। परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है? परंतु
सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है, कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते, और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग। चाह, मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है, चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, फिर सफलता की, परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह ना पूरी कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं, अपना लक्ष्य ना पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं, और हम ये जान ही नहीं पाते कि कब हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था, कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा कि कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है, और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है, और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है, और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है?
करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं। उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये आपके जीवन में कलेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परंतु किसी ना किसी कारणवश हम स्थिर हो जाते हैं, परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं, और इसलिए हमारे विचार तालाब के ठहरे हुए जल की भांति हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। यदि इस जल की भांति निर्मल रहना है, स्वच्छ रहना है, तो बहना सीखिए, समय के साथ चलना सीखिए, परिवर्तन का स्वागत करना सीखिए। पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर। लाल चटकता रंग चाहिए तो इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं, उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना, हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्टी में जितना तपेंगे, आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। तो अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखा कर जाती है। मनुष्य है ना हम, भय तो लगेगा ही। भय धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना? भय हानिकारक हो सकता है, परंतु लाभदायक भी। सोचिए किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात उसे संसार के समक्ष ना लाने देने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है। प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं।
इसीलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी, मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी। इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। सूर्य उदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा दुविधा आ ही जाती है, क्या आगे जो होगा वो शुभ होगा, क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं, ऐसे में क्या करना चाहिए। केवल एक उपाय, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए, बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि नया मार्ग बना तो लक्ष्य मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नव निर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। शांति किसे नहीं चाहिए, मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है, वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है, कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पाद को तो जन्म नहीं दे रहे। क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आप डस सके। गणित भी कैसा महान विषय है ना, ऋण और ऋण मिल जाए
तो धन बन जाते, परंतु अंक गणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि दो बुरे संधि कर तो वो अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता का, उनकी संधि का विच्छेद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी भांति हो। यदि खूंटा धरती में फंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खोदना पड़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ यही है कि संधि करने से पूर्व विचार कर लिया जाए। यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौट कर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौट कर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं।